स्वागत है आपका लाइव मध्य प्रदेश में और आपके साथ मैं हूं शाहनवाज सुल्तान। आजकल ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आने लगे हैं। इस ऑनलाइन का शिकार अब तो पढ़े लिखे लोग भी होने लगे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक डॉक्टर ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है। इस डॉक्टर को लाखों रुपए की चपेट बैठी है। लाइव मध्य प्रदेश लोगों से निवेदन करता है कि मोबाइल पर अगर कोई आपसे आपके बैंक की डिटेल या फिर कोई ओटीपी नंबर मांगता है तो आप ब्राय मेहरबानी उसे पता ही ना दे, नहीं तो आप भी इस डॉक्टर की तरह ठगी का शिकार हो जाओगे। मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, इसके बाद भी लोग इन ठगों के झांसे में आते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सामने आया है। इस बार और कोई नहीं, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है। आइए समझते हैं क्या है पूरा माजरा। ये शख्स आपको जो नजर आ रहा है वो शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर पीसी कविश्वर हैं। इनको मोबाइल पर किसी अनजान शख्स का कॉल आता है और वो शख्स इनका ओटीपी नंबर मांगता है। ये डॉक्टर साहब इसको बड़े प्यार से अपना ओटीपी नंबर दे देते हैं था कि यूनो अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया है, उसको एक्टिवेट करने के लिए पैन कार्ड चाहिए। उसके लिए उन्होंने बोले आपको ओटीपी आएगा और वो ओटीपी देते गए, वो मैं नंबर बताते चला गया। अल्टीमेटली तीन बार बताया मैंने। इसके बाद शुरू होती है ऑनलाइन ठगी की तहन। ये डॉक्टर साहब से उनकी बैंक डिटेल्स भी मांगता है तो डॉक्टर साहब अपनी बैंक डिटेल्स भी इसको बड़ी आसानी से दे देते हैं, जिसके बाद ये ऑनलाइन ठग इनके बैंक खाते में जमा करीब 6 लाख रुपए निकाल लेता है। इन डॉक्टर साहब को जब ये समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे अकाउंट में से मैसेज आया मेरे को SBI का कि अकाउंट में अमाउंट डिलीट हो गया है। तो मैंने उनको पूछा कि उनका ये अमाउंट तो डिलीट हो रहा है, मैंने तो ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है। बोला नहीं 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 वो तो कुछ नहीं है, वो भूल जाओ। फिर बाद में वो बोला कि आपका और बैंक में अकाउंट है क्या? तो मैंने कहा हाँ बड़ौदा बैंक में। तो बोले बड़ौदा बैंक का OTP आएगा, उनको बड़ौदा बैंक का क्या संबंध है? SBI का और बड़ौदा का कोई संबंध नहीं। तब मेरे को डाउट हुआ, फिर मैंने SBI अपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट किया तो बोले कि बिल्कुल फ्रॉड हो रहा है आपके साथ में, अब तुरंत यहाँ आ जाओ। अब ठगी के शिकार डॉक्टर पुलिस की शरण में आ गए हैं। लालबाग थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले को SP राहुल कुमार लोधा ने अपने हाथ में ले लिया है, जिससे माना जा रहा है कि जल्द ही ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। एक हमारे शहर के डॉक्टर साहब हैं जिनके साथ में साइबर ठगी हुई है, जिसके अंदर लगभग 6 लाख के आसपास जो है वो उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं। उसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं 50-50 हज़ार के, 2-4.5 लाख का एक, और कुछ पैसा जो है वो कैश विड्रॉल हुआ है झारखंड में जमतरा के पास देवगढ़ में। तो तत्काल उसमें पुलिस ने एक्शन ले लिया है। जैसे हमें सूचना मिली है तो तत्काल वो जो पेमेंट है उसको रोकने के लिए हम लोगों ने प्रोसेस कर दिया था रात में। उसमें से जो एक पेमेंट था 10 हज़ार का वो रुक गया है, साथ ही साथ एक 4.5 लाख का पेमेंट है वो रोकने के लिए जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो हमें 2 बजे तक पता चल जाएगा कि वो पैसा रुक पाया है कि नहीं रुक पाया है। और एक बार ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी फिर उसी के हिसाब से हम लोग डॉक्टर साहब को बुला के मामला भी पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही भी